क्या नाम है आंटी आपका? राजकुमारी। कहाँ की निवासी हो आप? हसारी के। आज कहाँ पर आई हो? आज प्रेम नगर। क्या समस्या है आपकी? एक आदमी है, बहुत गाली देता है, बहुत गंदी गंदी। आसाराम नाम है उसका। बहुत गंदी गंदी गाली देता था। क्यों देता है गाली? क्या समस्या है? जाने क्या, पूरा मोहल्ला परेशान है साहब उसके। चार फुट का रोड था। चार फुट के रोड में दो फुट की अपनी टंकी बना रहा था, तो उसको रोका गया और तो वो नहीं माना। नहीं मानने के बावजूद तो मैं कहने लगा तुम लोग मेरे को मार पीट करो, मेरे साथ लाल गाली कर रहा है। कौन है वो? आसाराम सर, उसके पता जी का नाम है हरदास। और उसको जब रोका गया तो अपने आप के मिट्टी का तेल डाल लिया, और जो विधायक रवि शर्मा को कह रहा है गुंडा बना रहा है उनको, बड़ा टैंकर को गुंडा बता रहा है सभी को, और कह रहा है उनको उन्होंने अपने आदमी को बुलवा के मेरी मारपीट की और मुझे जलाने की कोशिश की गई। तो माता जी आप अपने एप्लीकेशन दिए थाने के अंदर? हाँ दिया। साहब क्या कह रहा है इसके बारे में? साहब कह रहा है कि आप डरो नहीं, आपका कुछ कुछ नहीं करेगा, आप अच्छी तरह से रहो, हम पूरी बात करेंगे आपकी। भैया आप बताइए पूरा विस्तार से क्या है पूरा। आसाराम नाम का आदमी दबंग मतलब धमकी देता रहता है कि गाली गलौज घर। मैं तो घर से थोड़ी दूरी पे रहता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को और भाइयों को और बहनों को गाली देता है और कहता है कि जान से मार दूंगा गली में कहीं भी रोक के, और तमंचे से मतलब, और मतलब किसी भी हथियार से मारने की धमकी देता है। इस समस्या के लिए आप उसका कहाँ पर आए हो आज? प्रेमनगर थाना नगर आए। साहब क्या आश्वासन दिया साहब ने? साहब कह रहे हैं कि आप लोग मत बोलो, हम लोग एक्शन लेंगे और आप लोग अपने घर पे जाइए, अगर ऐसा कुछ और करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अकेली रहती हूँ घर पे, मेरी बहू और मेरी बच्ची है। मैं तो कहता है कि हम लोग बातें करते हैं आपस में तो कहता है गट्टा बंदूक ले आज, मेरी मेरे को कह रही है ऐसा। अच्छा जो महिला है आपके साथ पड़ोसी है, कौन है ये? पड़ोसी है सब, साहब मेरी मोहल्ले की है सब लोग। पता जी आप कौन हो? हम पड़ोसी है, हमारे लड़के का अभी का नाम लगा देते हैं, वो फलाना है, वो गुंडा है, वो फलाना है, वो का है, उसने क्या कहा जेल में आप हमारे।